गुड मॉर्निंग क्लास KG 2 बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज हाउस बुक से वाटर एनिमल्स। सो टेक आउट योर नॉलेज हाउस बुक एंड ओपन पेज नंबर 28, वाटर एनिमल्स चैप्टर 15। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था साउंड्स ऑफ एनिमल्स, है ना। हम लोगों ने एनिमल्स की साउंड पढ़ी थी, तो आज हम लोग पढ़ते हैं वाटर एनिमल्स के बारे में। और वाटर एनिमल्स बच्चों होते हैं जो पानी में रहते हैं, है ना। जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उनको बोला जाता है वाटर एनिमल्स। ये पानी के बगैर नहीं रह सकते, इनको पानी में ही रहना होता है। और इसमें से कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं बच्चों जो वाटर में भी रहते हैं और जो लैंड में भी रहते हैं। तो जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो चलिए, आप अपनी बुक निकालिए नॉलेज हाउस एंड ओपन पेज नंबर 28, वाटर एनिमल्स। बच्चों, सबसे पहला है वाटर एनिमल्स में जैली फिश। इसको बोलते हैं जैली फिश, ये भी वाटर एनिमल है, है ना। JELLY, जैली, और FISH, फिश, जैली फिश। नेक्स्ट है, ये तो बच्चों जो जैली फिश है ये तो वाटर में ही रहती है। और नेक्स्ट है फिश, FISH, फिश। फिश तो बच्चों पानी में ही रहती है, पानी के बगैर तो ये रह ही नहीं सकती, है ना। अगर इसको पानी से निकाल दिया जाता है तो ये कुछ समय बाद मर जाती है ना। तो ये वाली तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये किसके फिश के बारे में एक कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इसका जीवन पानी होता है बच्चों, अगर इसको पानी से निकाल दिया जाता है तो ये मर जाती है। तो फिश जो है वो पानी में रहती है, ये वाटर एनिमल्स है। फिर नेक्स्ट है क्रोकोडाइल, ये देखिए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, CROCODILE, क्रो को, CRO, क्रो को, डाइल, DILE, डाइल, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, ये भी पानी में रहता है और लैंड पर भी ये रहता है। ये दोनों जगह रहता है, पानी और लैंड, जमीन पर भी रहता है। अच्छा बच्चों, फिर नेक्स्ट है वेल, WHALE, वेल। वेल जो है ये पानी में रहती है, है ना। वेल कहाँ रहती है, पानी में, WHALE, वेल। और बच्चों जो वेल है वो सबसे लार्जेस्ट वाटर एनिमल है। सबसे जो पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं ना, उनमें ये सबसे बड़ा एनिमल है पानी में रहने वाला, ब्लू वेल। इसको क्या कहा जाता है, ब्लू वेल, WHALE, वेल। ये पानी में रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल है, हाँ, ओके। फिर नेक्स्ट है डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन, DOL, DOLPHIN, फिन, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है बच्चों वो बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। ये आप लोगों ने देखा है, कभी टीवी पर देखा है इसको, डॉल्फिन को कुछ खिलाइए तो आ करके ले लेती है ना। और कितना डांस करती है डॉल्फिन, तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा है, डॉल्फिन, है ना। पानी में देखा है ना इसको कैसे डांस करते हुए मूव करती है। तो ये है डॉल्फिन, और ये बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। और जो वेल है, ब्लू वेल, ये लार्जेस्ट एनिमल है वाटर में, जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनमें सबसे बड़ा एनिमल है ब्लू वेल। फिर नेक्स्ट है शार्क, SHARK, शार्क। ये भी वाटर एनिमल है, ये पानी में ही रहती है। फिर ये फिश है बच्चों, शार्क। फिर क्या है, स्टार फिश, देखिए स्टार की तरह ना, इसका स्टार की तरह शेप है, स्टार फिश, STARFISH, स्टार फिश। फिर क्या है बच्चों, नेक्स्ट टर्टल। नेक्स्ट क्या है, टर्टल, TURTLE, टर्टल, टर्टल। ये
पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। टर्टिल क्रोकोडाइल भी ऐसे पानी में और लैंड पे रहते हैं, और इसी तरह जो टर्टिल है वो भी पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। TUR टर्टल, TLE टर्टल। फिर क्या है नेक्स्ट, क्रैब, CRAB क्रैब। क्रैब मीन्स केकड़ा। क्रैब को देखा है आपने, देखा है कभी? ये भी पानी में रहने वाला जंतु है, CRAB क्रैब। फिर नेक्स्ट है फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फ्रॉग देखिए मेंढक, ये बच्चों आप लोगों ने देखा है ना, ये तो लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। और बच्चों ये अपना कलर चेंज करता है, फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो अपना कलर चेंज कर लेता है। देखिए ऐसा दिख रहा है ना, फिर पानी में जाएगा तो वहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेगा। तो जो वाटर एनिमल में ये फ्रॉग है वो कलर चेंज कर लेता है, FROG फ्रॉग। हाँ तो बच्चों वाटर एनिमल्स तो बड़े इजी है ना, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। इनको लर्न करना है और कॉपी में भी लिखना है आपको जो जो मैंने बताया है, जैसे कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। तो इसमें से क्या कौन कौन से हैं, क्रोकोडाइल एंड टर्टल फ्रॉग। हाँ और कौन सा ऐसा वाटर एनिमल लार्जेस्ट वाटर एनिमल है, हाँ बताना होगा आपको, तो बताएंगे आप ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल लार्जेस्ट एनिमल है। फिर पूछा जाए कौन सा ऐसा वाटर एनिमल है जो फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली एनिमल कौन है वाटर एनिमल, वो है डॉल्फिन, है ना। डॉल्फिन फ्रेंडली वाटर एनिमल है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो आप इसे देखें। चलिए हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चंस को। विच, WHICH को क्या पढ़ेंगे आप, विच। विच इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स बड़ा। विच इज द लार्जेस्ट वाटर एनिमल, तो आपको मैंने बताया ना कौन है, ब्लू व्हेल। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट वाटर एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी फ्रेंडली वाटर एनिमल, तो फिर फ्रेंडली एनिमल कौन है, डॉल्फिन। डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली वाटर एनिमल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाटर एनिमल कैन चेंज इट्स कलर, कौन सा ऐसा वाटर एनिमल है जो अपना कलर चेंज कर लेता है। मैंने बताया ना फ्रॉग, विच वाटर एनिमल कैन चेंज इट्स कलर, फ्रॉग कैन चेंज इट्स कलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू वी कीप आवर पेट फिशेस, वेयर डू वी कीप आवर पेट फिशेस, हम लोग अपनी पालतू मछलियों को कहाँ पे रखते हैं। आप लोग रखते हैं तो, अगर रखते हैं तो एक्वेरियम में रखते हैं ना, तो वी कीप आवर पेट फिशेस इन अ फिश टैंक, एक्वेरियम्स। एक्वेरियम्स है ना, एक्वेरियम्स में रखते हैं क्योंकि उसमें देखा है ना आपने ग्लास का बना होता है एक्वेरियम, और कौन से शेप में होता है ये, हाँ रेक्टेंगल शेप में होता है, और रेक्टेंगल शेप में होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है ना, तो उसी में इसको फिश को रखा जाता है। फिर क्या है वेयर डू वी गो टू सी वाटर एनिमल्स, अगर हमको वाटर एनिमल्स देखना हो तो हम कहाँ जाएंगे, वेयर डू वी गो टू एन एक्वेरियम टू सी वाटर एनिमल्स। विच एनिमल, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच एनिमल लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, पूछा जा रहा है इसमें कौन सा ऐसा एनिमल है जो वाटर में भी रहता है और लैंड में भी। विच एनिमल लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, तो आपको पता ही है ना फ्रॉग, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ओके बच्चों, तो ये आप अच्छे से लर्न करिए विद स्पेलिंग और कॉपी में भी लिखेगा। ओके बाय।